एटा में जिलाधिकारी साहब ने अचानक टिमरुआ गांव में पहुंचकर ग्राम प्रधान की खटिया खड़ी कर दी। इस दौरान गांव में उन्होंने चौपाल की और देखा कि गांव में काफी लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने तुरंत ग्राम प्रधान को नोटिस देने के साथ ही खुले में शौच जाने वाले लोगों को जेल भेजने का आदेश दे दिया। मामला एटा जिले के जलेसर क्षेत्र का है, जहां टिमरुआ गांव में निरीक्षण के लिए जिलाधिकारी सुखलाल भारती पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ग्राम प्रधान को नोटिस देने के साथ ही खुले में शौच जाने वाले लोगों को जेल भेजने का आदेश दे दिया। डीएम द्वारा दिए गए आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि जो लोग खुले में शौच जाते हैं उन्हें पकड़कर जेल भेजा जाएगा। इसके लिए डीएम ने तहसीलदार, वीडियो, थानेदार व सेक्रेटरी की ड्यूटी लगाई है। दरअसल डीएम जलेसर क्षेत्र स्थित शाहनगर टिमरुआ गांव के निरीक्षण के लिए गए थे। बताया जा रहा है कि डीएम सुखलाल भारती गांव में जन चौपाल लगाने गए थे। निरीक्षण के दौरान भारी मात्रा में लापरवाहियां पाई गई। इसी लापरवाही को देखते हुए डीएम ने खुले में शौच जाने वाले लोगों को सीधे जेल में डालने का आदेश दे दिया। सबसे बुरी स्थिति गांव में सफाई व्यवस्था की थी। गांव में शौचालय भी पूरी तरह से नहीं बने हुए थे, जबकि पैसा शासन की तरफ से पहले ही भेज दिया गया था। कल जलेसर तहसील के गांव साहपुर टिमरुआ, उसके मेरे द्वारा अधिकारियों के साथ गांव में पूरा भ्रमण किया गया और साफ सफाई व्यवस्था और विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। उसके साथ ही साथ उसका मजरा है नगला छोकर, उसमें भी जाकर मेरे द्वारा जाकर निरीक्षण किया गया और विकास कार्यों का मौके पर स्थल निरीक्षण किया गया। और निरीक्षण से ये पाया गया कि गांव में सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, कोई सफाई वफाई नहीं हुई है, न ही सेक्रेटरी द्वारा कोई भी विकास कार्य कराए गए हैं, न प्रधान द्वारा कोई कार्य कराए गए हैं। पैसा उपलब्ध है उसके, फिर भी उसके बावजूद भी विकास कार्य न कराया जाना बहुत ही आपत्तिजनक है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जनपद हमारा ODF हो चुका है, वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि पूरा जन वो पूरा देश ही स्वच्छ रहे और इसके लिए इतने स्वच्छता अभियान चलाया गया, लेकिन फिर भी उस गाँव में तालाब के किनारे लोग खुले में शौच ले जा रहे हैं। इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार प्रधान और सेक्रेटरी है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। शौचालय भी पूरी तरह से नहीं बने हैं जबकि पैसा भेज दिया गया है। इसलिए तत्काल प्रभाव से सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और प्रधान को निलंबित करने के लिए नोटिस दी गई है, उसके बाद जो है उनके अधिकार सीज कर दिए जाएंगे। वहीं ऐसा ही कुछ मामला लखीमपुर खीरी से भी सामने आया, जहां जलालपुर गांव का निरीक्षण करने पहुंचे जिला के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह गांव में फैली गंदगी को देखकर भड़क गए। गंदगी को गांव के चारों तरफ फैला देख डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। प्रधान जी आप बता पाएंगे? अदरवाइज मैं तुम्हारी प्रधानी नहीं रहने दूंगा, तुम्हें बताने जा रहा हूँ। प्रधानी से हाथ धोते हुए भूल जाओगे प्रधानी करना, अब मैं बता रहा हूँ। अब मैं भूल जाओगे बोले तुमने तो भूल जाओगे, अभी यही सस्पेंड कर ही जाऊंगा, यही सस्पेंड करके जाऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा। पहले सस्पेंड करूंगा फिर जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा प्रधानी कैसे की जाती है। यही पकड़ के ले जाऊंगा, जेल भी जाऊंगा। ये जो कर रखा है तुम लोगों ने तमाशा ना, ये तुम प्रधान हो, तेरी ड्यूटी है कि सब ठीक करो। ये कितनी ड्यूटी है आपकी? ड्यूटी को कमीशन खाने की है? मजाक बना रखा है आप लोगों ने गांव में? ये क्या दिख रहा है? कभी तुमने रिपोर्ट किया मुझे? ये क्यों दूर करेगा? कहां से आएगा कोई दूर कर ले? मिक्सर से आएंगे, पाकिस्तान से लोग आएंगे, अमेरिका से आएंगे, कौन दूर करेगा इसको, इस गंदगी को जो तुम लोगों ने फैला रखा है? लखीमपुर जिले के लोग आए हैं कि इसी गांव में लोग गंदगी फैला रखे हैं? मजाक बना रखा है तुम लोगों ने गांव में? धनी करोगे तुम लोग? चुनाव लड़ने का बहुत शौक है तुम्हें ना, ऐसा सस्पेंड करो ना कि अगर चुनाव में नहीं लड़ पाओगे तुम। मजाक बना रखा है तुमने? तुम्हें तीन आदमी दे दो, तुम्हें एक आदमी नहीं देना चाहिए, तुम्हें उल्टा लटका देना चाहिए। इस गांव में प्रधान है सर, माननी चाहिए ऐसे प्रधान को, ऐसे ग्रामवासियों को जिन्होंने ऐसे लोगों को चुना है, सर माननी चाहिए आपको। उन्होंने गांव में एक चौपाल लगाकर सरेआम गांव के प्रधान को बुलाकर उसे जेल भेजने और गांव में उल्टा टांगने की धमकी दे डाली।
इस मामले में जब लखीमपुर खीरी जिले के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें जलालपुर गांव में गंदगी के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके चलते उन्होंने ये औचक निरीक्षण किया था और साथ ही साथ ग्राम प्रधान और लोगों को हिदायत दी गई है कि वो लोग गांव में गंदगी ना फैलाएं।